जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि गुरु जी की डेली अपलोड होने वाली ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी कोने से हैं और अपना सत्संग गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिखे गए व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या अपना सत्संग रिकॉर्ड करके वीडियो या वॉइस मैसेज के रूप में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके सत्संग को गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड कर सकें। संगत जी, आज का सत्संग जो है वो इतना प्यारा सत्संग है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका टाइटल ही बड़ा प्यारा, संगत जी, नास्तिक से गुरु जी के आशिक बनने तक का सफ़र। ये कल का ही सत्संग है, डेट यानी कि आप आज 12 जून है और 11 जून का संगत जी ये सत्संग है और ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही है हमारी सूरत की बहुत प्यारी आंटी उन्नति आंटी, जो बहुत ब्लेस संगत हैं। ये उनके घर पे एक संगत का हुआ है कि कैसे एक नास्तिक संगत कुछ ही मिनटों में गुरु जी की आशिक बन गई। बहुत खूबसूरत सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। उन्नति आंटी की आवाज़ में सत्संग को ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत नमस्कार। जय गुरुदेव। मैं ये कल रात का सत्संग शेयर करूंगी। मुझे नहीं पता हूँ अंकल को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो गुरु जी की मर्जी है, बट एक सत्संग इतना अद्भुत था ये रात को कि शेयर करना बनता है। उससे हमारे को क्या होगा, हम और शायद कितने लोगों को जोड़ पाएंगे और वो खुद जुड़ पाएंगे गुरु महाराज से, कि उनकी लीला का वर्णन है। कल रात को एक आंटी जी मेरे घर आती हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगी पर्टिकुलर उनका, बट मैं सत्संग शेयर करूँगी। उनका बेटा हॉस्टल जा रहा था, वो जस्ट मेरे से गुरु जी के ब्लेसिंग लेने आए। मैंने कहा बिल्कुल आंटी जी आइए। आई थिंक 11:30 अराउंड टाइम था, वो घर पे आए, उनको दिया और उनको मैंने पूछा कि मैंने नहीं पूछा, उन्होंने खुद बोला आंटी हम थोड़ी देर पहले आए थे, अंकल भी आए थे। अब अंकल ना सामने फलाने के घर पे नीचे घर है, उनका दोस्त है। मैंने कहा ओके जी। मैंने नहीं बोला कि अंकल ऊपर आए या आप उनको बुलाओ, मैंने एक बार भी नहीं बोला, पता नहीं अंदर से ऐसा नहीं हुआ उस टाइम पे। बट फिर हम बैठे, हम गुरु जी के सत्संग शेयर करने शुरू कर दिया आपस में, सत्संग करें गुरु महाराज के। और करते करते वो अंकल का कॉल आता है और उनकी आंटी बोलती आ जाओ ना ऊपर, तो बोलते नहीं तू नीचे आ। तो उन्होंने बोला आ जाओ ना ऊपर, उन्होंने बोला नहीं तू नीचे आ। तो मैंने एक ही चीज़ गुरु जी से तब बोली, मैंने गुरु जी अगर उन्होंने कनेक्ट होना है ना तो आज ये बंदा ऊपर ज़रूर आएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है नहीं आ पाएंगे। क्योंकि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है वाइफ नहीं डाल सकते, वो ऑलवेज कहती है अच्छा जी मैं आई, कभी गुस्सा ना हो जाए, जनरल चीज़ है ना, सबके साथ होता है। तो उन्होंने फिर एक बार बोला कि आ जाओ ना ऊपर, बोला ठीक है B905 वो अंकल आ जाते हैं। अंकल जी आते हैं, जय गुरु जी होता है, बड़ी प्यारी स्माइल है उनके फेस पे, बहुत प्यारी स्माइल है। बट आके उन्होंने बोला मैं किसी गुरु जी को नहीं मानता, मैं बहुत बड़ा नास्तिक आदमी हूँ। तो मैंने सिर्फ बोला नास्तिक, लेकिन सर नास्तिक तो नहीं, आप है तो आस्तिक ही, आप ये बात बोल रहे हैं कोई बात नहीं। कहते मैं किसी गुरु को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं बड़ा नास्तिक हूँ। बट वो दिल के इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, इतने प्यारा इंसान है, वो दिल से कहते हैं ना मुंह से कुछ और अंदर से कुछ और, वो इंसान ऐसा है। सो बातें करनी शुरू करी मैंने उनसे और मैं सच्ची गुरु जी साक्षात विराजमान है। मुझे बाद में सारा राइज हुआ कि ये गुरु जी क्या करवा रहे हैं, बातें हो रही है तो कहते हैं, मैंने कहा अंकल जी जब कुछ होता होगा आपको, आपको कोई तकलीफ आती है, हे भगवान मुझे बचा ले, ऐसा तो आप कहते होंगे। कहता नहीं मैं तो ऐसा कहता ही नहीं, मैं तो अपनी हे माँ को याद करता हूँ। तो मैंने कहा माँ को याद करते तो माँ में भी तो भगवान होते हैं, माँ बाप में। कहते ये किसने कह दिया आपको माँ बाप में भगवान होते हैं, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। मैंने कहा उनमें एक रूप है जो भगवान ने डाली, वो कहते ना उनकी भक्ति करो, मंदिर में घंटे बजाओ, इससे अच्छा माँ बाप को खाना खिलाओ, माँ बाप की सेवा करो, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है दुनिया में। कहते ऐसे नहीं तो क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया ना, इसलिए मैं हाय मम्मी बोलता हूँ। मैंने कहा अंकल जी कोई बात नहीं, बट आप बोलते ना कहना कि भगवान है, तो बोलते बोलते कहते मैं ना साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है अंकल जी, अभी आप कहते मैं नास्तिक हूँ। तो कहते ये क्या हो गया, मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हो गया आपको। तो दो मिनट बाद ना बात करते करते उन्होंने बताया कि
मैं ना शिरडी साईं बाबा जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, तो उन्होंने बोला मैं बाइक पे जाता हूँ, जाता था साईं बाबा के मंदिर, शिरडी भी जाता था, शनिदेव भी जाता था। मैं साईं बाबा का बहुत दीवाना हूँ, बड़ा प्यारा भक्त हूँ उनका। कहेंगे जी बहुत कोई बात नहीं, मैं कहा आप कल आना। तो कहते मैं कल क्या करूँगा। मैंने कहा आप गुरु महाराज को देखो और साईनाथ को याद करो। कहते मैं उनको देखूंगा ही, वो मैं कहा साईनाथ दिख जाएंगे मुझे, उनमें बड़े दिख जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप जस्ट एज्यूम करना बैठ के, जनरली एक खाली कुर्सी है, मैंने उस पर सुंदर सा कपड़ा बिछा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, वहाँ कोई गुरुजी गुरुजी भी नहीं है, एक खाली कुर्सी पर प्यारा सा कपड़ा लगाया है, तो क्या होगा पता मुझे क्या बोले। वहाँ तो मेरे साईनाथ बैठे हैं, बोलते ही वो रो पड़े और वो रोने लग गए वहीं बैठे हुए, बोलते मेरे साईनाथ दिख गए मुझे। मैं कहता हूँ जी हमारे गुरु महाराज की लीला कि आपने सोचा और आपको उन्होंने दिखाया। फिर उन्होंने गुरुजी के स्वरूप पर देखा, कहते हैं ऐसे लग रहा मेरे अंदर करोड़ों हजारों सवाल जवाब स्टार्ट हो गए हैं और मुझे ऐसे कह रहे हैं और क्या देखना चाहता है तो दिखाऊं तुझे। तो वो बंदा रो रहा है, दिल से रो रहा है वो बंदा, और अपोलोजाइज था या गुरुजी के लिए शुक्राना था, आई डोंट नो, बट वो इंसान दिल का बहुत प्यारा है, वो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, ये बात की गारंटी है। तभी गुरुजी ने उनको अपनी शरण में लिया। रोई जा रहे हैं तो बोलते हैं, मैंने कहा अंकल आपने गुरु जी के वहाँ के ना कल मत्था टेकना, जय साईनाथ बोलना, खबरदार बोला जय गुरु जी, हमारे गुरु जी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, आप ना बोलना जय साईनाथ, आपको जय साईनाथ ही दिखेंगे। तो ठीक है, फिर बात करते तुम रहते आंटी जय गुरु जी। मैं कह है, मैं कहा अच्छा उनका जय गुरु जी। मैं कहा अंकल अभी आपने कहा था बोले नहीं, मैंने कहा ये हमारे गुरु जी हैं, ये प्यार पैदा करवाते हैं। कहते हैं ऐसे बोले हो गया तेरा काम, चल जा यहाँ से, चल निकल। कहते ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे देख के हंस रहे हैं। कह रहे और क्या, और अंकल बोलते हैं मैं ना शिरडी जा रहा था, साईनाथ जी के कुछ दर्शन होंगे बड़े प्यारे उनके उनके दिमाग में या उनके मन में। कहते एक बार मैं जा रहा था और मेरे से ना वो खो गए साईं बाबा, मैं उसके पास जा ही नहीं पाया। कहते वही साईनाथ मुझे दिख गए। कह रहा आंटी मैं बता नहीं सकता, मुझे मेरे बाबा मिल गए वापस। मैंने कहा बस यही हमारे गुरु जी की लीला है शुक्राना, आपको जरूरी नहीं है आप हमारे गुरु जी की लीला ही गाएं, गुरु जी के लिए आए, आप सिर्फ अपने भगवान को याद करके आए, वो आपको हर रूप में दर्शन देते हैं। और यही बोलूंगी कि जो भी संगत जुड़ी आपके साथ सदा जुड़ी रहे, उनके सारे कार्य को पूरा करना, उनके तकलीफों को दूर करना, उनके कर्मों को बख्शना, और ऐसे अपनी लीला दिखा दिखा के गुरु जी उनको अपने चरणों से बनाए रखना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और कोई सत्संग शेयर करेगा?